इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम इतवाला से दरख्वास्त करते हैं, इतवाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती नसाहे से और आज के साज़िम शान इजलास के पेश नज़र वक्त और हालात के एतबार से हमें किस तरीके से काम की ज़रूरत है उस पर तफसीली खिताब फरमाएँ। थोड़ा नीचे हो अच्छा रहेगा, ये सब नीचे करो। बस बस بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام। आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम हजरत उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ तलबा, आज की ये मजलिस तहफ्फुज़ ईमान के उन्वान पर मुनाक़िद हुई है और उसी सिलसिले की कुछ गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने पेश करनी है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि इस मजलिस में मेरे बड़े मौजूद हैं, उनके सामने गुफ्तगू करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इस नीयत से कि जिस तरह एक तालिबे इल्म अपने उस्ताद को सबक सुनाता है और उसमें कोई गलती होती है तो उस्ताद उसकी इसलाह कर देता है, इसी नियत और इरादे से मैं अपना सबक और आमोख्ता दोहरा रहा हूँ जो इन्हीं हजरात जैसे असातिज़ा से मैंने सीखा है और पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई गलती होगी तो उसकी इसलाह भी हो जाएगी। ये मजलिस ईमान का तहफ्फुज़ कैसे हो, ईमान के लिए खतरात क्या हैं और ईमान क्या है, इन सारी बातों को समझने के लिए मुनाक़िद हुई है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ईमान क्या है। हदीस की किताबों में एक बहुत ही अहम हदीस जिसको उम्मुस सुन्नह कहा गया है और उसका एक नाम हदीस जिब्रील भी है
और हदीस जिब्रील इस वजह से उसका नाम पड़ा कि एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बिल्कुल बेतकल्लुफाना अंदाज में हाजिर हुए। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि इब्तिदा में तो ख़ुद आपने उनको नहीं पहचाना कि ये जिब्रील है, उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए। उनमें एक सवाल इस्लाम के बारे में था, एक सवाल ईमान के बारे में था और भी एक सवाल था क़यामत के बारे में, सवाल था कि क़यामत कब आएगी। तो एक सवाल उनमें ईमान के बारे में था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा मल ईमान, ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतुमिन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी وتؤمن بالقدر خيره وشره, ये ईमान है। तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ और कदाओ कद्र पर ईमान लाओ कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो अल्लाह के फैसले से होता है। ये ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, कोई उनसे पैदा नहीं हुआ, वो अहद हैं, समद हैं, लम यलिद हैं, वलम यूलद हैं। इसी तरह अल्लाह की सिफात में उनका कोई शरीक नहीं है, न उनकी ज़ात में उनका कोई शरीक, न उनकी सिफात में उनका कोई शरीक, वो एकता हैं, अकेले हैं। और रसूलों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इस दुनिया में इंसानों में से ही अपने कुछ बंदों को मुंतखब करके दूसरे इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा। उनमें पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि ये यकीन करो कि अल्लाह ने जिस तरह रसूलों को भेजा है इसी तरह अल्लाह ने अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई हैं। उन किताबों में अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं, हिदायात हैं। हर ज़माने में जिस तरह रसूल आए हैं किताबें भी आई हैं और सबसे आखिरी किताब जो अल्लाह का कलाम भी है वो कुरान मजीद है जो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसी तरह तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह की एक नूरानी मखलूक है जिसे अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया, उनके साथ बशरी ज़रूरतें और हाजतें नहीं हैं। वो अल्लाह ने जिस काम पर उनको जहां लगा दिया है वो उसी काम में लगे हुए हैं। उनके अंदर नाफरमानी और इसियान का मादा अल्लाह ने रखा नहीं है।
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. یہ فرشتے ہیں اللہ کے, اور یہ یقین رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کے بعد, یہاں سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی اور ملنی ہے جو جسے آخرت کہتے ہیں, اور ہر انسان کو وہاں اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنا ہے, یا تو پھر آگے جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اسی طرح یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے, اس کے ساتھ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. یہ ایمانیات ہیں, یہ ایمان ہے. جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہ مل ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایمان ہے. جبریل نے عرض کیا صدق تھا, آپ نے صحیح کہا, آپ نے سچ کہا. اللہ نے قرآن میں بھی ایمان کو سمجھایا ہے, مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی مثال اس درخت اور تناور درخت جیسی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. غالباً اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الایمان بضع وسبعون شعبہ, ایمان کے درخت کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, اس کی سب سے مضبوط شاخ, بلکہ یوں کہہ لیجئے تنا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, اور اس کی ادنا درجے کی شاخ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ تو وہ جڑ ہے, ایمان کے درخت کی جڑ ہے, اور ساری نیکیاں, اچھے اعمال, یہ سب ایمان کی مختلف شاخیں ہیں. اور پھر درخت خود تناور ہو, ہرا بھرا ہو, لیکن اگر اس پر پھل نہ آئے تو وہ درخت ناقص سمجھا جاتا ہے, وہ درخت ناقص سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کے درخت کا پھل میری محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, ایسی محبت جو ساری محبتوں پر غالب ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے, دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ آ جائے. چلیے پھل آ گیا, لیکن خدا نہ خواستہ پھل اگر ذرا کڑوا نکل آیا, ترش نکل آیا, تو مزہ نہیں ملتا اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کے درخت کا پھل تو میری اور اللہ کی محبت ہے جو ساری محبتوں پر غالب ہے, لیکن اس درخت کے پھل کی مٹھاس کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس شخص نے ایمان کے درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا جو اللہ پر اس کے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا, اور اسلام سے اس کے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا.
तो ईमान का दरख्त इस तरह मुकम्मल होता है। ईमान ही असल बुनियाद है। कोई भी नेक अमल ईमान के बगैर कबूल नहीं होता। जिसके पास ईमान नहीं उसका कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, न नमाज कबूल, न रोज़ा कबूल, न हज कबूल, न सदक़ात कबूल। गोया ईमान ही मेयार है। ईमान के बगैर जन्नत का दाखिला नहीं है। जन्नत में वही जाएंगे जिनके पास ईमान होगा। ईमान के मुकाबिल में शिर्क आता है। एक तरफ ईमान है और एक तरफ शिर्क है। ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह को उसकी ज़ात और उसकी सिफात में अकेला और एकता माना जाए। उसके मुकाबिल में शिर्क ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक किया जाए, एक अल्लाह के बजाय और खुदा माने जाएं और माबूद माने जाएं, और अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक किया जाए, अल्लाह को भी खालिक माना जाए किसी और को भी खालिक माना जाए, अल्लाह को रज़ाक माना जाए किसी और को भी रज़ाक माना जाए, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना ये जुल्म है। और इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क से बड़ा कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। तो जितने गुनाह हैं वो शिर्क की फुरुआत हैं, उसकी शाखें हैं। जितनी नेकियां हैं वो ईमान की शाखें हैं और ईमान की फुरुआत हैं। इसलिए ईमान सबसे कीमती जौहर है, ईमान सबसे कीमती मोती है। लेकिन ये कितना कीमती है इसकी कद्र कीमत उन लोगों को मालूम होती है जो ख़ानदानी मुसलमान नहीं है, जिन्होंने ईमान के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, उसके लिए मसाइब झेले होते हैं, मशक्क़तें उठाई होती हैं। उनको मालूम होता है कि ईमान कितनी कीमती शय है और उसकी हिफाजत किस तरह की जाती है। आखिर बिलाल हबशी से पूछो ईमान की कद्र कीमत, गले में फंदा डाला हुआ है, मक्के की गलियों में उन्हें घसीटा जा रहा है, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही नारे मस्ताना है, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। किसी शख्स ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा, पूछा बिलाल क्या हाल है? कहा हाल तो बहुत अच्छा है लेकिन बस एक चीज का लुत्फ नहीं मिल रहा है यहां भी। वो कौन सा लुत्फ? कहा जब मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे और गरम रेत पर लिटाया जाता था और मेरे जख्मों में वो गरम रेत घुसती थी, उससे जख्म में जो टेस्ट पैदा होती थी, उस वक्त जो मजा आता था, यहां वो मजा नहीं मिल रहा है। तो ये उनसे पूछिए, उन जादूगरों से पूछिए जो फिराउन की आंख में आंख डालकर कह रहे थे। जब आए थे फिराउन ने उन्हें बुलाया था मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए, तो वो तो ये कह रहे थे फिराउन से, हुजूर हमें क्या मिलेगा? अगर हम फतेहयाब हो गए, कामयाब हो गए तो क्या मिलेगा? लेकिन जब उन्होंने मैदान में अपने करतब दिखाए और अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मैदान में फेंकी और वो अजदहा के शक्ल में बन करके और सारे उन सांपों को निगल गया, वो समझ गए ये कोई जादू नहीं है। वो पुकार उठे आमन्ना बि रब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। तो फिरौन ने उनसे कहा मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम इबरत का निशान बन जाओगे। لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
खजूर के तने पर सूली पर लटकाऊंगा और तुम ये जान लोगे कि मैं ज्यादा सख्त सजा देता हूं या मूसा का रब सजा देता है। वही जादूगर जो ईमान लाने से पहले भीगी बिल्ली बने हुए थे और फिरौन से पूछ रहे थे हमारे लिए क्या होगा, लेकिन ईमान जब दिल में आया तो उनमें बला की जुरात आ गई और फिरौन की आंख में आंख डालकर कहा قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, तेरे दिल में जो आए कर ले। अब हमें असल दौलत मिल गई है, इस दौलत के मिलने के बाद हमें कोई खतरा नहीं। इस दुनिया की जिंदगी पर हम आखिरत की जिंदगी को तरजीह देते हैं। ये ईमान जब घुसता है, ईमान की चाशनी और ईमान की मिठास जब मिलती तो आदमी सारी दुनिया को हेच समझने लगता है। ये ईमान का जायका क्या होता है, ये कोई मानवी चीज होती है या ये कोई महसूस जायका होता है, जैसा कि शीरीनी का जायका होता है, मिठास का जायका होता है। तो उलमा लिखते हैं कि ये मानवी जायका होता है, लेकिन सूफिया कहते हैं कि नहीं, ये महसूस जायका होता है जो मिलता है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल मुल्हिम में फरमाते हैं इज़ा लम तरल हिलाल फसल्लिम लिउनासिन राउहु बिल अबसारी, जब आपने चांद नहीं देखा है तो उनकी तस्दीक करो जिन्होंने चांद देखा है। यानी सूफिया अगर ये कहते हैं तो ये उनकी आजमाई हुई बात है, उनकी बात मान लो कि ईमान का भी एक जायका होता है और ईमान की एक चाशनी होती है। ये कितनी जरूरी चीज है, ईमान ना हो तो कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा। नबी का बेटा हो, ईमान ना हो तो नबी का बेटा होना उसके काम नहीं आएगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, तूफान में गर्क हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया ईमान नहीं लाई, अजाब आया, वो अजाब में तबाह और बर्बाद हो गई। और देखिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जब तक हयात रहे मक्का वालों को खुलकर ईज़ा पहुंचाने की जुरात नहीं हुई, ढाल बने रहे। जब इंतकाल का वक्त आया, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो देखा मक्का के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद हैं। आपने उनके सामने कलमा पेश किया कि चचा जान ये कलमा पढ़ लीजिए। सरदारों ने देखा कि कहीं चचा भतीजे की बात में ना आ जाएं, तो उन्होंने कहा अबू तालिब क्या मौत के डर से बाप दादा के दीन से फिर जाओगे, ईमान मुकद्दर में नहीं था। कह दिया कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, रोते हुए वहाँ से उठ गए और आपने फरमाया कि मैं फिर भी आपके लिए दुआए मगफरत करूँगा। आपने दुआए मगफरत शुरू की, सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल अपने चचा के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं, तो सहाबा ने अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफरत करनी शुरू की। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि नबी के लिए और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने इस बात की गुंजाइश नहीं रखी है कि वो मुशरिकों के लिए दुआए मगफरत करें अगरचे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे चचा को जहन्नम का सबसे हल्का आज़ाब दिया जाएगा, उनके पैरों में आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिसकी वजह से उनका भेजा हांडी की तरह पकेगा। ईमान नहीं लाए तो रसूल और नबी का चचा होना भी उनके कोई काम नहीं आया। ईमान बुनियाद है मेरे दोस्त, ईमान कितना हम नहीं जानते। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह
फरमाया करते थे, उनके मलफूजात में है। वो फरमाया करते थे कि हमें ईमान की कदर मालूम नहीं है, हमारा हाल तो उस सब्ज़ी फरोश औरत जैसा है जिसके पास एक आदमी एक तालिब इल्म पहुँचा था। वाकया सुनाते थे कि एक उस्ताद थे, वो अपने तलबा को बताते थे कि देखो जो मसला मैं तुम्हें बताता हूँ ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ये मसाइल। हम जैसा भी एक बेवकूफ़ तालिब इल्म पढ़ता था वहाँ, एक दिन उसका जूता टूट गया, वो जूता लेकर के मोची की दुकान पर पहुंचा और कहा कि भाई मेरा ये जूता सिल दो, मैं तुम्हें एक मसला बताऊं। अब वो मोची नीचे से ऊपर तक देख रहा है, ये पागल तो नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको एक मसला बताऊंगा। तो उसने कहा मेरे भाई यहाँ मसले से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो पैसा हो तो काम चलेगा, पैसा जेब में हो तो जूता सिलवा लो। वो तालिब इल्म मायूस हो गया और हजरत के पास आया और कहा कि हजरत आप कहते थे कि जो मसला आप बताते हैं वो बहुत कीमती होता है, एक मोची तो उसके बदले जूता सिलने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कीमती कैसे हो गया। उस्ताद समझ गए कि ये गलत जगह पहुंच गया। उस्ताद ने एक हीरा निकाला अपने पास से और कहा कि इसे सब्जी मार्केट में जाओ और सब्जी बेचने वाली औरत से इसके बदले सब्जी का मोल भाव करो, लेकिन उसे ये देना नहीं, चले आना ले करके। वो पहुंचा बाजार में, सब्जी बेचने वाली औरत से कहा भाई मुझे कुछ सब्जियां चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ये दूंगा। उसने उलट पलट कर देखा और कहा मैं इस पत्थर का क्या करूंगी। फिर इसको देखा, कहा भाई तुम ज़रूरतमंद मालूम होते हो, लो कुछ सब्जियां मैं तुमको दे देती हूं और ये पत्थर मुझे दे दो, मेरे बच्चे इससे खेला करें। वो चला आया वापस, हजरत को बताया। हजरत ने कहा अब इसे जौहरी की दुकान पर लेकर के जाओ और देखो, उसको भी देना नहीं। ये जौहरी की दुकान पर लेकर के पहुंचा, जौहरी ने ये देखा इतना कीमती हीरा तो उसने कहा भाई ये तुमको कहाँ से मिला। कहा हमारे हजरत ने दिया है। जौहरी समझ गया कि ये कोई चोर है, इसने कहीं से चोरी किया है, वरना इस आदमी के पास इतना कीमती हीरा कैसे आएगा। उसने फौरन पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हजरत को खबर हुई, हजरत आए और जब हजरत आए तो सब समझ गए कि भाई ये हजरत ही का हीरा है। तो हजरत ने समझाया कि देखो पहले तुम नाकदरों के पास गए थे, वो उसकी कीमत नहीं जानते थे इसलिए उसको पत्थर समझा, और जब जौहरी के पास गए तो उसे मालूम हुआ कि इतना कीमती हीरा है। ये अल्लाह ने ईमान का हीरा जो हमें आता फरमाया है ये बहुत कीमती है, इसकी पहचान तो जौहरी को ही हो सकती है। जो जौहरी नहीं है वो ईमान के हीरे की कदर व कीमत क्या जाने। लिहाजा जिन लोगों ने ईमान की कदर व कीमत जानी है, इस ईमान की हिफाजत की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, सब कुछ लुटा दिया है। सहाबा की जिंदगियां हमारे सामने मिसाल और नज़ीर के तौर पर मौजूद हैं। कुरान करीम ने जहां बनी इसराइल के जादूगरों का तस्किरा किया है, वहीं हजरत आसिया का भी तस्किरा है, फिरौन की बीवी का भी तस्किरा है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरौन इज़ क़ालत रब्बि इब्नली इंदका बैतन वनज्जिनी मिन फिरौन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन। उनको क्या सजा दी थी फिरौन ने, जमीन पर लिटा करके उनके हाथ और पैर में मेखें गाड़ दी थी और ऊपर छत से एक भारी पत्थर की सिल उनके ऊपर गिराने का हुक्म दिया था ताकि उसके जिस्म के परखचे उड़ जाएं। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि वो पत्थर जब उनके जिस्म पर गिर रहा था उसी वक्त अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उस अजियत से अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो फिरौन की मिसाल दे रहे हैं
उनकी बीवी उसकी बीवी की मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला कुरान करीम में, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। तो ईमान ऐसा कीमती हीरा है, उसी ईमान के तहफ्फुज के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, ये मजलिस मुनाकिद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया जो आज के ज़माने की पूरी तरह अक्कासी करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ता लैल मुग़लिब। ऐ लोगो, ऐसे फितनों से जो रात के अंधेरे टुकड़ों की मानिंद हैं, उनके आने से पहले आमाल कर लो, सूरत हाल ये हो जाएगी युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। आदमी सुबह को ईमान वाला होगा और शाम तक वो काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, शाम में जब बिस्तर पर सोएगा तो साहिब ईमान होगा और जब सुबह को उठेगा तो वह ईमान से उसका हाथ खाली होगा। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद्दुनिया, लोग अपना दीन दुनिया के चंद टकों के एवज बेच देंगे। आज बाजार लगा हुआ है, ईमान बेचा और खरीदा जा रहा है दुनिया के चंद टकों के फायदे के लिए, जमीन के किसी छोटे से टुकड़े के लिए लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। एक बाजार है जिसमें ईमान का नीलाम हो रहा है। और मेरे दोस्तों, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही करनी पड़ती है। आपके घर में जो सामान होता है उसके मुकाबिल में जो जेवरात होते हैं, सोने चांदी होते हैं, तो सोने चांदी को ज़्यादा हिफाजत से आप कपाट में बंद करके और तिजोरी में रखते हैं। दूसरे सामान की हिफाजत ये होती है कि घर के किसी किनारे में आप डाल देते हैं। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी उतना ही करना पड़ता है। और हर चीज़ का कोई ना कोई चोर होता है। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसके जो चोर होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा शातिर और चालाक होते हैं। वो तो आँखों से काजल निकाल लेते हैं और पता नहीं चलता। ईमान का चोर कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसकी शरारतों, उसकी दसीसा कारियों और उसके मकरो फरेब का हम और आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। अल्लाह ही उससे महफूज रखे तो हम महफूज हो सकते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाकर ही हम उससे महफूज हो सकते हैं, वरना महफूज नहीं हो सकते। वह हमारा खुला हुआ दुश्मन है। इन शैतान लकुम अदुव्व मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो ईमान का सबसे बड़ा चोर है। और वो ईमान कैसे चुराता है पता भी नहीं चलता कि वो ईमान को उसने कब चुरा लिया। वो ईमान को सल्ब करने के लिए उसी वक्त से सरगर्म हो जाता है जब कोई बच्चा अपनी माँ के शिकम में आता है, उसी वक्त से वो सरगर्म हो जाता है। हदीस में आता है कि जब शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है तो शैतान भी सोहबत में उसके साथ शरीक होने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के लिए एक दुआ बताई है। वो दुआ अगर शौहर और बीवी पढ़ लेते हैं तो शैतान के असरात से महफूज हो जाते हैं और इस मुलाकात से पैदा होने वाला बच्चा शैतान के असरात से और उसके वसाविस से महफूज हो जाता है। एक तरफ शैतान
ईमान को सल्ब करने की कोशिश वहां से शुरू करता है और अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हिफाजत का इंतजाम भी वहीं से करता है। फिर बच्चा जब माँ के शिकम में आ जाता है तो माँ के शिकम तक उसकी रसाई नहीं, क्योंकि वो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया। शैतान के असरात इस दुनिया ही में महदूद हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। शिकम मादर में उसका असर नहीं पहुंचता, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप हम सब जानते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा रोता है। क्यों रोता है? हदीस में फरमाया गया कि बच्चा इसलिए रोता है कि शैतान आकर उसके दिल को टटोलता है, छूता है, यानी अपने जरासीम का इंजेक्शन लगाता है। उस वक्त जरासीम का इंजेक्शन लगाता है, उधर उसने इंजेक्शन लगाया, इधर अल्लाह की तरफ से क्या हिदायत दी गई, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में इकामत के कलिमात कहो, ताकि ये उस जहर का तिरयाक हो जाए जो शैतान ने इंजेक्शन लगा करके उस बच्चे के दिल में डाला है। अल्लाह की किबरियाई और उसकी बड़ाई का नक्श आज ही इस बच्चे के दिल में बैठा दो और उसके असरात को जायल कर दो। ये इंतजाम एक तरफ से ये होता है हिफाजत का, और शैतान उधर से शरारत करता है। शैतान अपनी जुर्रियत को पूरी तरह दुनिया में फैलाए हुए है। किसी भी जगह कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई ना कोई शैतान वहां पहुंचकर उसके दिल को टटोलता है और अपने असरात को डालता है, ईमान को खींचने की कोशिश करता है। तो ये ईमान के हिफाजत का सिलसिला। उसके बाद बच्चा जब माँ की गोद में आ गया तो अब उसके ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी माँ बाप की हो जाती है। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको यहूदी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं, उसको नसरानी बना देते हैं। फिर जिम्मेदारी इस बच्चे की तरबियत इस्लामी और ईमानी हो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अब ईमान सिखाना माँ की जिम्मेदारी है, इस्लाम सिखाना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। अगर ये ईमान और इस्लाम को सिखाते हैं, ईमान का बीज बच्चे या बच्ची के दिल में डाल देते हैं, तो उस वक्त बच्चे का दिल एक सादा तख्ती की तरह होता है, जो उस पर नक्श करोगे वो नक्श हो जाएगा, वो कभी मिटेगा नहीं। ये बच्चा अगर कभी मुखालिफ माहौल में जाएगा, मुशरिकाना माहौल में भी जाएगा, काफिराना माहौल में भी जाएगा, लेकिन ईमान की जो चिंगारी उसके दिल में वालिदैन ने रोशन कर दी है, ईमान का जो नक्श उसके दिल पर कायम कर दिया है, इंशाअल्लाह वो नक्श बाकी रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप का काम क्या होता है? बच्चा पैदा हो गया तो माँ बाप का सिर्फ ये काम नहीं होता कि उसके खाने का इंतजाम करें, उसके पहनने का इंतजाम करें, उसके रहने का इंतजाम करें, बल्कि पहली जिम्मेदारी क्या होती है माँ बाप की? उस बच्चे के दिलो दिमाग में इस्लाम और ईमान का बीज डालें, ईमान की रोशनी से उसके कल्ब को मुनव्वर करें, और जब वो इस दुनिया से जा रहे हों तो उनका भी वही सवाल हो अपनी औलाद से जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद, अपनी जुर्रियत, खानदान के लोगों को जमा करके मिस्र में पूछा था। अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से पूछा था, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे?
पूछने वाला पैगंबर है और जिनसे पूछा जा रहा है वो पैगंबर की औलाद हैं। और मैं समझता हूँ तारीख की रोशनी में कि उस वक्त मिस्र के वही हालात थे जो इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात हैं। मिस्र में उस वक्त जो मुआशरा था मुशरिकाना था, बुत परस्ताना था, और खानदान नबूवत के जो चश्मो चराग थे वो उन्हीं लोगों के दरमियान रहने वाले थे, उन्हीं के साथ उनका मेल जोल था, उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना था, उसी के साथ उनका पढ़ना था, उसी उन्हीं के साथ उनकी तजारत थी। और आदमी जिनके साथ रहता है उनसे मुतासिर होने का खतरा भरपूर रहता है। जिस तरह आज हिंदुस्तान में हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वहाँ मखलूत इज्तिमा होता है, हर मजहब और हर धर्म के बच्चे होते हैं। जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तान में अकलियत में हैं तो हमारी तादाद वहाँ कम होती है। ये फितरी बात है कि अकलियतें अक्सरियतों से मुतासिर होती हैं। पूरा खतरा रहता है कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाकर के उनसे मुतासिर हो जाए, यूनिवर्सिटी में जाकर उनसे मुतासिर हो जाए, हमारी बच्ची स्कूल से निकल कर कॉलेज में जाए उनसे मुतासिर हो जाए, और यूनिवर्सिटी में जाए उनसे मुतासिर हो जाए। ये पूरा खतरा रहता है। बल्कि खतरा क्या, अब तो वो खतरा हकीकत बनकर हमारे सामने आ चुका है। हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ जा रही हैं। पहले इक्का दुक्का वाकयात हो रहे थे, अब तो जहां देखो हर जगह की इस तरह के वाकयात बकसरत पेश आ रहे हैं। इसके जहां मुख्तलिफ असबाब हैं, वहीं उन्हीं असबाब में से एक बड़ा सबब यह है कि हमने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, उनकी इस्लामी तरबियत की फिक्र नहीं की, उनके दिल में ईमान का बीज नहीं बोया, उन्हें ये नहीं बताया कि अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की बड़ाई क्या है, अल्लाह के साथ वफादार रहकर इस दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, आखरत में भी मिलती है, और अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने का नतीजा इस दुनिया में भी नाकामी है और आखरत में भी नाकामी है। हमने उनके दिलो दिमाग में ये बात सब्त नहीं फरमाई, नक्श नहीं की। मकतब में उन्हें तो ईमान के कलिमात याद करा दिए गए, ईमान मुजमल भी याद करा दिया गया, ईमान मुफस्सल भी याद करा दिया गया, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत। यही तो ईमान है जो हदीस जिब्रील में बताया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है? ये तो माएँ अपनी गोद में बच्चों को, याद रखिए माएँ सिर्फ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, बल्कि उस दूध की धार के साथ वो अपना अखलाक भी बच्चों के अंदर मुंतकिल करती हैं, अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी भी बच्चों के दिलो दिमाग पर नक्श करती हैं। माएँ सालिहा होती हैं तो उनकी औलाद सालिह होती है। माओं की ज़िंदगी में अगर ईमान और इस्लाम पूरे तौर से जमा और बसा नहीं है तो याद रखिए फिर वो औलाद भी महरूम हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ईमान की हिफाजत के बारे में हमा वक्त फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जद्दिदु ईमानकुम, देखो अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो, बिकसरत कौली, बिकसरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहा करो, ईमान की तजदीद करते रहा करो, टटोलते रहा करो अपने ईमान को कि कहीं कमज़ोरी तो नहीं आ रही है। देखो ईमान की कैफियत में इजाफा होता रहता है, वो घटती भी रहती है, कैफियत के एतबार से ईमान घटता बढ़ता रहता है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आता लिल्ला व मना लिल्ला
व अहब लिल्ला व अबगद लिल्ला, और आखिरी बात फरमाई व अन कहा लिल्ला, अल्लाह ही के लिए निकाह भी किया। अगर किसी को कुछ देना हुआ तो अल्लाह के लिए दिया, किसी को नहीं दिया मना कर दिया अल्लाह के लिए किया, किसी से मोहब्बत रखी अल्लाह के लिए रखी, किसी से दुश्मनी रखी अल्लाह के लिए रखी, और निकाह किया तो अल्लाह के लिए किया। अब अल्लाह के लिए निकाह कैसे होगा वो तो हम आप देख रहे हैं कैसा निकाह हो रहा है। ये निकाही का एक मामला है जहां नाकह जो है निकाह पढ़ाने वाला ऐलान करता है अन निकाह मिन सुन्नती, लेकिन यही एक अमल होता है जहां किसी सुन्नत पर अमल नहीं, यही एक मामला होता है जहां किसी सुन्नत पर अमल नहीं होता, सारी सुन्नतें ताक पर रख दी जाती हैं। ये तो हर घर में जो लाल किताब होती है रस्म और रिवाज की बड़ी बूढ़ियों के पास, वो खुलती है और उसमें जो कुछ होता है उसी पर अमल होता है, और मर्द हजरात बिल्कुल बेदस्त पा हो जाते हैं, चाहे वो कारी साहब हों, मुफ्ती साहब हों, मोहतमिम साहब हों, बड़े मौलाना हों, सब कहते हैं भाई हम मजबूर हैं, यहां हम मजबूर हैं, हम यहां कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, ईमान की हिफाजत के बारे में हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है, और माहौल दिन ब दिन बदल रहा है, खतरात बढ़ रहे हैं, इन खतरात में हमें हमेशा अपने ईमान की हिफाजत के लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक दे और आप तमाम हजरात को भी। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ नहीं, या तो आप कराएं या सदर साहब कराएं। अल्लाह हमारे बाप बड़ा आपको ज्यादा